नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम, मैं हूं आपके साथ में रत्नाकर, मेरे साथ में है इमरान जी। नमस्कार। नमस्कार इमरान। और देखिए, कोरोना वायरस की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। पूरे हम जगत की बात करें, देश की बात करें, नागपुर की बात करें, तब भी स्थिति जो है कहीं ना कहीं जो है नियंत्रण से बाहर जाती हुई दिख रही है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वही बढ़ते हुए आंकड़े जो है एक अलर्ट हमारे धीरो दिमाग पर जो है देते जा रहा है। जी, आप दर्शकों को बता दूं, महाराष्ट्र का आंकड़ा हो चुका है 1297। बहुत ही लगातार जो है बढ़ने की, आंकड़े बढ़ने की जो रफ्तार है महाराष्ट्र में, बहुत ही रफ्तार से आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। जी हाँ, आज का दिन विदर्भ के लिए भी पिछले दो दिन से तेजी का रहा। जैसे आप बुल्ढाना में देखें कि बुल्ढाना, यवतमाल और अकोला में तेजी से आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आया। मैं आपको एक थोड़ा रिमाइंडर कर दूं, नागपुर समेत विदर्भ के कई जिलों का, नागपुर में आंकड़ा, नागपुर के लिए एक शांति की खबर यह है कि अब तक पिछले दो दिनों से कोई भी पॉजिटिव नहीं पाया गया। वही यवतमाल में पिछले दो दिन में कल 8 का आंकड़ा बढ़ा था और आज 1 पॉजिटिव पाया गया। टोटल आंकड़ा यवतमाल का 13 हो चुका है। एक वक्त ऐसा था कि यवतमाल 0 था, जहां कुछ ही नहीं थी। परसों की बात है कि यवतमाल एक साथ 8 जो मरीज है कोरोना के, जो डाउट पॉजिटिव पाए गए थे, आज एक उसमें और एडिशन हुआ है। जी हाँ, और वाशिम में एक आंकड़े के साथ वाशिम स्थिर बना हुआ, वाशिम की स्थिति जो बनी हुई है वो एक मरीज जो है वहां पर कोरोना से ग्रसित पाया। अगर अकोले की बात की जाए तो पिछले कई दिनों से अकोला में एक भी पॉजिटिव पाया नहीं गया था, फिर पिछले हफ्ते ही 1 पॉजिटिव पाया गया, उसके बाद 1, और आज एक अकोला के लिए बहुत बेहद खतरनाक खबर है कि 7 पॉजिटिव आज पाए गए। मतलब अकोला में इस वक्त 9 पॉजिटिव, कोरोना पॉजिटिव जो है पाए गए हैं। दर्शकों से हम बिल्कुल ये बात भी शेयर करना चाहेंगे कि स्थिति चाहे नागपुर की हो, अकोला की हो, पूरे विदर्भ की हो, महाराष्ट्र की हो, या देश की हो, या जगत की हो, आंकड़े जो है बहुत ही ड्रास्टिकली बढ़ते जा रहे हैं। लगभग 16 लाख के आसपास जो है पूरे विश्व में जो है 16 लाख के ऊपर में आंकड़ा पहुंच रहा है। यूरोपियन कंट्रीज की अगर बात करें तो वहां पर डेथ रेशियो जो है वो भी बहुत बुरी तरह से बढ़ रहा है। महाराष्ट्र का भी जो डेथ रेशियो है परसेंटेज में अगर हम बात करें तो 6% तक ये आंकड़ा जा रहा है। 72 मौतें जो है महाराष्ट्र में अकेले हुई है। जी हाँ, और वही अमरावती की बात की जाए तो अमरावती में पिछले दिनों एक डेट हुई थी, बाद में पता चला कि उसको कोरोना है, उससे संबंधित 3 व्यक्तियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आके अमरावती का आंकड़ा 4 हो चुका है। टेक्निकल बातों की अगर हम बड़े इमरान, तो ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है कि अगर नागपुर के हम आंकड़ों की जहां बात कर रहे थे तो नागपुर में अब तक 1102 लोगों की जो है टेस्ट हुई है, हो चुकी है, जो कि स्थिति के हिसाब से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं टेस्टिंग का जो स्पीड है वो बढ़ना चाहिए, ताकि अगर किसी को अगर कोरोना से ग्रसित है तो तुरंत आइडेंटिफाई हो चुके हो और इलाज बिल्कुल और लोगों को यहाँ से जुड़े बिना लोगों का क्वारंटाइन समय रहते हम कर सके। जी हाँ, लोगों को बिना खबरें सामने आना चाहिए और अपना टेस्ट करवाना चाहिए। जब तक ये बीमारी से डरने लायक कुछ बात नहीं है। एक खास बात नागपुर के लिए कि 4 मरीज जो सबसे पहले आए थे, वो उनका पूरा परिवार निगेटिव पाया गया है। और ये पहले जो फर्स्ट 4 जो थे कोरोना ग्रस्त व्यक्ति थे वो आज अपने घरों में जा चुके हैं। इस वक्त नागपुर में 14 लोग जो है कोरोना पॉजिटिव है, जिनके ऊपर में पॉजिटिव उनके ऊपर में ट्रीटमेंट चल रहा है और उनकी जो स्थिति बनी हुई है वो स्थिर बनी हुई है। अगर देश की बात करें तो 6000 का आंकड़ा देश ने पार कर लिया है और खुशखबरी की बात यह है कि उसमें से 570 लोग निगेटिव पाए गए। जी हाँ, मतलब कोरोना से 569 लोग जो है कोरोना से जो पॉजिटिव पाए गए थे वो इस वक्त निगेटिव हैं और अपने अपने घरों की राह अच्छी जिंदगी जीने के लिए वो जा चुके हैं। जी हाँ, और महाराष्ट्र के लिए एक खबर है आज महाराष्ट्र के गृह मंत्री और ने एक साफ निर्देश दिए महाराष्ट्र के नागपुर, पुणे, मुंबई में जो भी मेन सिटीज है, हाई अलर्ट, वहाँ बिना मास्क के आपको बाहर जा नहीं सकते, अगर बाहर जाएंगे तो आप FIR दर्ज की जाएगी। जी बिल्कुल, और इस बात का ख्याल रखना है कि सबसे पहली बात तो मैं कहूंगा इमरान, फिर से हम इनविजन के माध्यम से हमारे दर्शकों से गुजारिश करेंगे कि जब तक हो अपने घरों में ही रहे। हमने पिछले प्राइम टाइम में भी हम लोगों ने आपके साथ में नंबर साझा किया था कि आप अपने घर में क्वालिटी समय बिताएं, वो क्वालिटी समय का कुछ एक्टिविटीज करें और उसका वीडियोस हमें जरूर भेजें। नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर में आ रहा है
0005662 ये नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर भी है। और दर्शकों ध्यान रखिए, ये व्हाट्सअप नंबर है, आप अच्छे चुलबुले से वीडियो आप हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं, बच्चों के साथ में समय बिताइए, क्वालिटी समय बिताइए, अपने वीडियो शेयर कीजिए, हम वो वीडियो जो है इनबीसीएन के माध्यम से आप तक भी पहुंचाएंगे, सारा नागपुर सारा जो व्यूअर्स इनको देख सकते हैं और एक अच्छा समय बिताने का ये वक्त आपके पास में है। जी हाँ, और साथ में आपका नंबर और आपका नाम भेजना ना भूलिए, क्योंकि ये एक कॉन्टेस्ट चलने वाला है, इसके विनर को आकर्षण उपहार भी मिलने वाला है। बिल्कुल, ये और अच्छी बात है कि आपको इस इन वीडियो के माध्यम से जो भी बेस्ट वीडियोस रहेंगे उनको इनबीसीएन के माध्यम से उपहार भी दिए जाएंगे। इसके साथ में ये हमारी प्राइम जिम्मेदारी है कि हम रस्तों पर ना निकले, घरों से बाहर ना निकले, जहाँ तक पॉसिबल है हम अपने घरों में रहें। एक और गुजारिश हम लोग आपसे करना चाहेंगे कि आपके नज़दीक में, आजू बाजू में या अपने परिवार में किसी को भी सर्दी खांसी बुखार जैसे अगर लक्षण दिखते हैं तो वे कृपया तुरंत इसकी जांच करवाएं। जी हाँ, और एक आह्वान बी सी न्यूज़ के माध्यम से करने वाले हैं, आने वाले दिनों में शब कदर का महीना है, शब कदर है, उसके बाद गुड फ्राइडे है, उसके बाद आम्बेडकर जयंती आने वाली है 14 मार्च को। खास तौर पर कलेक्टर ने, हमारे शहर के कलेक्टर, शहर के महानगर पालिका के जो आयुक्त है तुकाराम मुंडे, पुलिस कमिश्नर भूषण कुमार उपाध्याय जी ने खास तौर पर सबको कहा है कि सभी जितने भी होने वाली इवेंट्स है वो घर पे ही आप बनाइए, चाहे वो मुस्लिम त्यौहार हो, शब कदर की रात आने वाली है तो वो घर पे ही आप अपनी पूजा प्रार्थना कीजिए। उसके बाद आम्बेडकर जयंती आने वाली है, सार्वजनिक स्थलों पर आम्बेडकर जयंती मनाने को बिल्कुल मना किया गया है, घर पे ही बनाइए सारी। बिल्कुल, ये आह्वान करते देखिए दर्शकों से हम निवेदन करेंगे कि ये कोरोना वायरस जो है COVID-19 ये किसी भी जाति धर्म को देख के नहीं आएगा, लेकिन इस वक्त पूरे देश का एक ही धर्म होना चाहिए, वो धर्म है कि हम अपने परिवार की रक्षा करें, समाज की रक्षा करें, देश की रक्षा करें, अपने घर के अंदर रहकर ही करें। जी हाँ, और बीसीएन के माध्यम से आपको फिर से मैं एक बार बता दूं, आम्बेडकर जयंती 14 मार्च को होने वाली है, 14 अप्रैल को होने वाली है, उस दिन आप अपने घर पे ही बाबा साहब की जयंती मनाइए और कुछ वीडियो बनाइए अपने हाथ से मोबाइल में, और वो मोबाइल में हम आपको हमारे साथ साझा कीजिए के माध्यम से हम साझा करेंगे, सभी लोगों तक हमें इसको पहुंचाने का जिम्मा हम लेते हैं, बस आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। जी हाँ, बार बार सब करें और बिना मास्क के बाहर ना जाए, बिल्कुल जरूरत की जब काम हो तो ही जाए, नहीं तो बिल्कुल बाहर जाना भी अनिवार्य नहीं है। सारी चीज़ें आप तक प्रशासन की ओर से मुहैया कराई जा रही है, आपके डोर स्टेप पर आपको सारी चीज़ें मिलने की व्यवस्था की जा रही है, सबको लगभग चीज़ें मिल ही रही है, और जो निर्वासित हैं या जिनको इन चीज़ों की ज़रूरत है महानगर पालिका की ओर से एक नंबर भी जारी किया गया है कि जिससे ज़रूरतमंदों तक ये सारी चीज़ें जो है वहाँ तक मुहैया कराई जा सकती हैं। जी हाँ, भारत सरकार की तरफ से अब तक कोरोना के वजह से मरने वाले का आंकड़ा है 166। जी हाँ, अगर देखिए ये एक अपने आप में सोचने वाली बात है, और महाराष्ट्र के लिए तो और चिंताजनक बात है, क्योंकि 72 लोग अकेले महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित जो थे उनकी मौत हो चुकी है। जी हाँ बिल्कुल, और किसी भी तरह के अफवाहों के ऊपर ना आ जाए, अफवाहें बहुत काफी ज्यादा आती नजर आ रही है आजकल, कोई भी मोबाइल से कुछ भी डाल, सोशल मीडिया से हम सब लोग जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया में हम लोग एक्टिव रहते हैं, कई अच्छी अच्छी चीजें हैं जो हम शेयर कर सकते हैं इमरान जी, जैसे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे हमने अच्छे मराठी नाटक, हिंदी मूवीज, अच्छे अच्छे वीडियोज या अच्छे अच्छे थॉट जो है हमने उनको साझा किया हुआ है। तो आप भी अपनी जिम्मेदारियों को समझें, अच्छी चीजों को जरूर प्रमोट करें, लेकिन ऐसी अफवाह से बचे जो कहीं ना कहीं किसी के मन में भय पैदा करे या डर उससे उत्पन्न हो या कोई ऐसी मानसिक स्थिति किसी की विचलित हो। ऐसे वीडियोस, ऐसे थॉट्स, ऐसे विचारों को आप व्हाट्सएप, फेसबुक या किसी भी अन्य प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों तक पहुंचाने से बिल्कुल अपनी जिम्मेदारियों को समझे, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह पे आज मंत्रिमंडल की बैठक थी जी, महाराष्ट्र राज्य की, कई एक बड़े बड़े डिसीजन लिए गए, उसमें सबसे बड़ा डिसीजन था कि महाराष्ट्र के विधायकों की 30% सैलरी काटी जाएंगी। जिस तरह से सेंट्रल में जो डिसीजन हुआ था 30% पूरे आने वाले साल के लिए, उसी तरह महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल के लिए भी ये निर्णय लेने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। और दूसरा एक निर्णय वहां पे ये हुआ कि आने वाले 1 मई को जो महाराष्ट्र दिन मनाया जाएगा उसमें सिर्फ और सिर्फ कलेक्टर और पालक मंत्री ही ध्वजारोहण करेंगे, उसके साथ भीड़ नहीं होगी। देखिए प्रशासन अपनी ओर से लगा हुआ है, पुलिस प्रशासन की बात करें, हम मेडिकल प्रशासन की बात करें, पुलिस प्रशासन के साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो है सभी लगे हुए हैं। अब जिम्मेदारी है लोगों की कि वो भी इसको रेसिप्रोकेट करें, अपनी जिम्मेदारी को समझ के हम काम करें। जी हाँ,
जिस तरह से आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, इस वक्त ये वक्त आने वाले, स्वास्थ्य मंत्री ने बोला था आने वाले 7-8 दिन एक बहुत ही ज़्यादा बेहद रहेंगे भारत के लिए। बहुत अच्छी तरह से लॉकडाउन का उपयोग करके घर पे ही रहना चाहिए, बिल्कुल बाहर नहीं जाना चाहिए। जो एक चेन बनी हुई है कोरोना पॉजिटिव की, वो टूटना कहीं ना कहीं के लिए ये है, चेन तभी टूट सकती है जब हम एक दूसरे से अलग रहें। जी यही एक तरीका है इससे बचने का। एक चीज और है कि कई लोग हमने सुना, देखी सुनी बातें हैं ये कि कुछ लोग सेल्फ मेडिकेशन की ओर भी बढ़ रहे हैं। जैसे एक अमेरिका के राष्ट्रपति ने हमारे देश से डिमांड की थी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन नामक एक मेडिसिन है जिसकी उन्होंने डिमांड की थी, जिसके लिए हमारा प्रशासन भी, हम सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी उसको हरी झंडी दे दी है। लेकिन दर्शकों से निवेदन है कि किसी भी प्रकार का सेल्फ मेडिकेशन का सहारा कृपया ना लें। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, डॉक्टर की सलाह लिए के लिए ये बेहद खतरनाक हो सकता है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन नामक दवाई जो है बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगी, लेकिन कृपया इन किसी भी मेडिकेशन का आप अपने मन से उपयोग ना करें। ये आपके स्वास्थ्य के ऊपर में, आपके परिवार के स्वास्थ्य के ऊपर विपरीत परिणाम कर सकता है। जी हाँ, अलग अलग डिसीजन हो रहे हैं। 11 तारीख को एक पूरे मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मीटिंग है, उस विषय में लॉकडाउन बढ़ने के विषय, लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा या और प्रशासनिक कुछ निर्णय जो है सभी स्टेट वाइज जो है कि क्या स्थिति उस वक्त तक रहेगी उसके ऊपर में स्टेट वाइज डिसीजन भी उसमें हो सकते हैं। लॉकडाउन बढ़ने की स्थिति में जो है आर्थिक मंदी के दौर से पूरे देश को गुजरना होगा, महाराष्ट्र को गुजरना पड़ेगा। अगर हम सब, पूरा देश अगर इस स्थिति से बचना चाहता है तो आज ही हमको बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे ताकि कुछ हार्ड कदमों की ओर हम लोगों को, प्रशासन को हार्ड जो है कानून बना लेना पड़े। कोई जैसे कि आज डिसीजन लिया गया है कि आप बगैर मास्क के नहीं जा सकते बाहर में। मोस्ट ऑफ द म्यूनिसिपल कमिश्नर और म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट ने निर्णय लिया है कि कोई भी शहर में जहाँ जहाँ भी अत्यावश्यक सेवा भी चालू है वहाँ पर भी, चाहे वो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो, प्राइवेट हो, या हम किसी अपने पर्सनल काम से जा रहे हो जहाँ पर अत्यंत आवश्यकता है, वहाँ पर बगैर मास्क के अगर आप पाए जाते हैं तो ये आज से क्राइम होगा। जी हाँ बिल्कुल, ये कड़े कदम उठाना बेहद सरकार के लिए ज़रूरतमंद है। और एक बात बता दूं आपको कि उड़ीसा में लॉकडाउन की सीमा बढ़ गई है। देश की बात की जाए तो देश में पहला राज्य है उड़ीसा जिसने अपना लॉकडाउन 30 अप्रैल तक कर दिया। देखिए फिर वही बात आती है कि जिस तरह से जिस राज्य में प्रोपोर्शनेटली आंकड़े बढ़ेंगे उस राज्य के पास में आपको लॉकडाउन के अलावा दूसरा कोई रास्ता बचेगा नहीं। बस लॉकडाउन अगर खत्म जल्द से जल्द करना है तो सबको एक संकल्पना करनी होगी कि घर पे ही रहे, घर पे ही रहे और घर पे ही रहे। हम फिर से एक बार चलते चलते पूरे बीसीएन के माध्यम से और पूरे प्रशासन और सभी के पर्सनली भी हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप घर में रहे, स्वस्थ रहे, अपना ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखें, समाज का ध्यान रखें। एक बार फिर हम जाते जाते दर्शकों को बताना चाहेंगे आपके स्क्रीन पर जो ये नंबर फ्लैश हो रहा है इस पर आपके चुलबुले से क्वालिटी टाइम जो आप फैमिली के साथ में शेयर कर रहे हैं उसके वीडियो ज़रूर भेजें 9130005662। ये नंबर आपके स्क्रीन पर भी दर्शाया जा रहा है। दर्शकों से फिर से अनुरोध करेंगे चलते चलते कि आप अपना ध्यान रखें, घर में बने रहें, बिना आवश्यक कहीं भी बाहर न निकलें। नमस्कार।